उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार और चार मंत्रियों को बताया जा रहा है कि कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। चार विधायकों को कैबिनेट में जगह मिलेगी जिनको शपथ दिलाने की तैयारियां चल रही है और ये चार मंत्रियों के नाम तय हैं। साइबराबाद के विधायक सुनील शर्मा वो मंत्री बनेंगे, ओम प्रकाश राजभर सुभासपा के उनका बताया जा रहा है कि मंत्री बनना तय है, आरएलडी से अनिल कुमार, जबकि बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान, ये वो चार नाम हैं जिनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। आज शाम तक जैसे ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ में लौट आएंगी, बताया जा रहा है कि राजभवन में कार्यक्रम जहां पर शपथ ग्रहण होगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार, जिसमें जातिगत समीकरणों का रखा गया है ध्यान, जिसमें जो है अलग अलग समुदाय से अलग अलग जातियों से आने वाले सदस्यों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी, तो जाति व्यवस्था का ध्यान में रखा गया। देख बीजेपी की तरफ से सुनील कुमार, दारा सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से, दो सदस्य बीजेपी की तरफ से कैबिनेट का हिस्सा बनने वाले हैं सूत्रों के मुताबिक खबर। आरएलडी की तरफ से अनिल कुमार का नाम आगे किया गया है, अनिल कुमार को कैबिनेट में जगह दी जाएगी और ओम प्रकाश राजभर सुभासपा से होंगे। सुनील कुमार शर्मा की बात करें तो रिकॉर्ड वोट से जीते थे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी था, अब इनको कैबिनेट में जगह बताया जा रहा है कि शाम तक दी जाएगी। नहीं, चार दिन पहले ही बताया गया था कि 5 तारीख को लखनऊ रहिएगा, ये नहीं बताया गया था कि क्या काम है, लेकिन ये सारी मीटिंग आपने कैंसिल की है। हाँ, आज के कार्यक्रम को सब रद्द है। क्या जानकारी मिली है आपके साथ और कौन कौन शख्स हैं जो इस कैबिनेट में शामिल होंगे जो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, आरएलडी से अब जो भी नाम तय हो और भाजपा से जो नाम तय हो, हम लोगों की पार्टी से तो हम अपनी पार्टी का ही ज्यादा जानते हैं। तो साहब ने कहा कि अनिल जाओ, सूट वूट सिलवाए हो आप? मैं कहा साहब मैं सूट नहीं पहना, मैं सादा आदमी हूँ, पजामा कुर्ता पहनता हूँ। ठीक है, लखनऊ पहुंचो और आपको शपथ लेना है। सिलवाया है? मैं तो पजामा कुर्ता पहनने वाला आदमी, अभी देखो लोअर टी शर्ट में आप लोग कर रहे हो फिलहाल। मैं जिन शब्दों से आदरणीय जयंत चौधरी का धन्यवाद करूँ, जब उन्होंने मुझे फोन किया था, मेरी आंखें और मेरा दिल भी नम था कि मैं किन शब्दों में उनका आभार व्यक्त करूं। मेरे एक मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं खुद नहीं मान रहा था कि मुझे मौका मिलने वाला है। तो ये चार संभावित नाम आखिरकार कौन है? योगी कैबिनेट को विस्तार हो रहा है और चार नए मंत्रियों की खबर आ रही। सबसे पहला नाम जो आ रहा है सामने वो ओपी राजभर का सामने आ रहा है, वहीं अमित कुमार आरएलडी की तरफ से उनका नाम सामने आ रहा है। हालांकि उनकी अभी आपने बात भी सुनी जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको बधाई भी जयंत चौधरी ने दी है। वहीं और जो दो नाम है वो सुनील शर्मा का भी उसमें नाम है और दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर आए उनको भी यहां पर गिफ्ट ये मिल सकता है। तो एक तरीके से ये वेलकम गिफ्ट है और अपने योगियों को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है क्योंकि आगे रण तेज है। कई ऐसे स्वर भी उठ रहे थे जिसमें सबसे ज्यादा ओपी राजभर बार बार ये कहते रहे कि अगर जब तक मुझे पद नहीं मिलेगा होली नहीं मनाऊंगा या उसके अलावा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान तब तक नहीं होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें पूर्वी यूपी के जहरूबाद से एमएलए हैं ओपी राजभर जो क्लेम करते रहे लगातार कि मंत्री पद उनको चाहिए और ऐसी संभावना भी थी। तो जब ऐसे में ये विस्तार हो रहा है तो उसमें सबसे प्रमुख नाम उन्हीं का नजर आ रहा है कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। ओबीसी बिरादरी के एक बड़े चेहरे हैं, काशीराम के साथ बीएसपी में रहे हैं और अपने क्षेत्र में एक बड़ा दबदबा उनका रहा है और उनको नाराज नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अपने जो सहयोगी दल है उनको नाराज बीजेपी नहीं करना चाहिए और इसीलिए ये विस्तार भी एन वक्त पर लोकसभा चुनाव से पहले देखा और माना जा रहा है। 2019 में एनडीए के साथ चले गए थे ओपी राजभर, हालांकि अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में वो रहते हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ वो जुड़े, उस समय उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा लेकिन फिर आए तो ये माना गया कि अब आए हैं तो मंत्री पद तो लेंगे ही। वहीं अनिल कुमार जो नाम सामने आ रहा है पश्चिमी यूपी के, वो विधायक पुरकाजी से विधायक है और योगी के नए मंत्री वो हो सकते हैं क्योंकि उनको फोन आया। ये खबर आ रही है कि जिनको फोन आया और लखनऊ में रहने के लिए कहा गया उनमें से इनका नाम भी है। 3 बार अपनी सीट से ये विधायक रहे हैं और दबदबा इनका रहा है और इनको आगे किया गया ये चीज के लिए आरएलडी और बीजेपी को धन्यवाद भी कर रहे हैं। पहले बीएसपी में थे, अभी आरएलडी में हैं। 2007 से चुनावी राजनीति में ये सक्रिय हैं और ऐसे में अब मंत्री पद इन्हें दिया जा सकता है। ये संभावित चेहरे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अब अगले नाम की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वो अगला नाम है दारा सिंह चौहान। बीजेपी से इसी साल एमएलसी बने हैं
और इनके नाम की भी संभावना दिख रही थी, और ये संभावित चेहरे जिनको मंत्री पद आज के इस विस्तार में जो शाम 5 बजे होना है उसमें मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये भी एक नाम हो सकता है दारा सिंह चौहान। समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन इन्होंने थामा था और इन्हें भी मंत्री आज बनाया जा सकता है। चौथा नाम, क्योंकि पहले 3 मंत्री बनाए जाने की खबर थी लेकिन अब चौथा नाम भी सामने आ रहा है और वो है सुनील शर्मा, जो कि सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाले विधायक रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, बीजेपी एक ऐसी पार्टी अब बन गई है हाल फिलहाल के दिनों में जो बहुत सरप्राइजेस देती है। हम ये संभावित चेहरे तो दिखा रहे हैं लेकिन ये भी रिकॉर्ड रहा है कि जो संभावित चेहरे चलते रहे हैं उनमें से कई का पत्ता साफ हो जाता है, तो क्या ये 4 ही नाम रहेंगे या कोई सरप्राइज फिर से मिल सकता है? नहीं अर्पिता, अब 4 ही नाम है और ये चारों नाम कंफर्म है क्योंकि इन चारों लोगों को फोन जा चुका है। ये चारों लोग इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में हैं पिछले 1 घंटे से और अब उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो रहा है। एक एक करके ये तमाम जो लोग हैं, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो या फिर अनिल कुमार हो, ओम प्रकाश राजभर हो, सुनील शर्मा हो, ये सब के सब अब मुख्यमंत्री आवास से निकलने वाले हैं। देखिए, अब संभावना जैसी कोई चीज नहीं है, ये 4 ही मंत्री बन रहे हैं। हाँ, इसमें अभी ये तय होना बाकी है कि इसमें राज्य मंत्री कौन होगा, क्योंकि 3 लोग पूरी तरीके से कैबिनेट में जा रहे हैं ये तय है। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट बनेंगे। दूसरी बात अगर देखा जाए तो दारा सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री थे, वो भी कैबिनेट बनेंगे। और आरएलडी की तरफ से अनिल कुमार, जो कि जाटों बिरादरी से, दलित बिरादरी से आते हैं, वो भी कैबिनेट में जा रहे हैं। सुनील शर्मा बहुत सीनियर विधायक हैं, कई बार के जीते हुए हैं और रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, क्या वो भी कैबिनेट में जाएंगे या वो राज्यसभा राज्य मंत्री होंगे, इस पर अभी देखना पड़ेगा कि आखिर उनको क्या मिलता है। लेकिन शाम 5 बजे ये शपथ ग्रहण है और इस छोटे कैबिनेट विस्तार के माध्यम से योगी सरकार, अभिषेक आप हमें 24 अभिषेक 24 पर बिल्कुल 24 पर इन चारों का क्या असर पड़ेगा, कितना फायदा बीजेपी को मिल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है 2024 को ध्यान में रख करके किया गया है, और अगर आप देखें तो 4 में 2 ओबीसी से हैं, 1 दलित हैं और 1 ब्राह्मण जाति, यानी कि बीजेपी ने पूरे समीकरण को साधने की कोशिश की है अपने इस एनडीए के नए मंत्रिमंडल विस्तार से। सिर्फ जातिगत और सामाजिक समीकरण ही नहीं बल्कि आप देखें तो रीजन को भी साधा गया है। 2 लोग पूर्वांचल से हैं और 2 लोग पश्चिम से हैं। बीजेपी को लगता है, एनडीए को लगता है कि बहुत सारे लोग और क्षेत्रों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभिषेक, हम आपको समय थोड़ा सा गम है, आपको रोक रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन समर्थ श्रीवास्तव भी हैं। समर्थ, जिस तरह से अभिषेक बता रहे हैं कि जातीय समीकरण साधा है, क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखा गया है, क्या कुछ ऐसा भी है जो इस मंत्रिमंडल को लेकर नाखुश नजर आ रहा है या ऐसा लगता है कि इस मिनी विस्तार में सबको शामिल करके, सबको खुश करके ही शामिल किया गया? सही, सबको खुश करके ही यहाँ पर शामिल किया गया है। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे चेहरे हैं जो महीनों से ये रट लगाए थे कि मंत्री बनना है और आखिरकार अब वो दिन उनके लिए आ गया है। उनका कई बयान भी सामने आए कि मैं होली नहीं मनाऊंगा जब तक मंत्री नहीं बन जाऊंगा, लेकिन वो जो इंतजार था ओम प्रकाश राजभर का वो आखिरकार आज का जहाँ तक खत्म होने जा रहा है। इसके अलावा दारा सिंह चौहान भी हैं जो मंत्री बनना चाहते थे, उन्हें बीजेपी ने एमएलसी बनाया, पहले यूपी सरकार में मंत्री थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी के और फिर वापस भाजपा में आया। हालांकि घोसी उपचुनाव में जो है वहां पर बीजेपी को हार मिली थी दारा सिंह चौहान। इसके अलावा यहां अगर मैं बताऊं, मैं इस वक्त राजभवन में मौजूद हूं, राजभवन के ठीक बाहर, और यहीं पर चहलकदमी कुछ क्षणों बाद आप मानकर चलिए बढ़ने वाली है। जैसे जैसे शाम 5 बजे की तरफ सुई बढ़ेगी, घड़ी बढ़ेगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर मूवमेंट जो है वो शुरू होना है। 4 नाम जो चर्चा में है, दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, इसके अलावा अनिल कुमार आरएलडी से और सुनील शर्मा, ये 4 नाम है, संभावित 4 नाम है जिनको जो आज 5 बजे शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ योगी कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा और जातिगत जो समीकरण है वो भी साधती हुई बीजेपी के साथ दिखती है। जिस तरह से एक ब्राह्मण चेहरे को भी लाते हैं, एक दलित चेहरे को भी लाते हैं और 2 ओबीसी चेहरों को भी लाते हैं। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली कि आरएलडी में कई और विधायकों के भी नाम थे कि किसको मंत्री बनाया जाए, पर यहां पर अनिल कुमार का नाम ऐसा था जो दलित समीकरण को साधता था और इसी वजह से उनका नाम फाइनल हुआ। जी सही,
ठीक है समर्थ आप हमारे साथ बने, आपके पास हम लौट रहे हैं, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए। इसमें एक और बड़ी खबर आपको दे दें, खबर उत्तर प्रदेश से ही। योगी कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए, खासतौर पर किसानों को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए गए। किसानों की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं। योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और इस कैबिनेट की बैठक में कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं जिसमें किसानों को ट्यूबवेल के लिए अब मुफ्त बिजली दी जाएगी। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए बड़ी राहत, एक बड़ी सौगात। वहीं एनसीआर की तर्ज पर ही एससीआर बनाने का एक प्रस्ताव भी पास हुआ है। जैसे दिल्ली के इर्द गिर्द के जो बड़े बड़े शहर हैं उनको एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन में काउंट किया गया, तो उसी तरह उत्तर प्रदेश में सीतापुर और आसपास के जो एरिया है उसे एससीआर बनाया जाएगा, उसे उसी तरह डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, एससीआर में शामिल किया जाएगा। योगी कैबिनेट की बैठक जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें किसानों को लेकर फैसले लिए गए हैं, जिसमें एससीआर को बनाने को लेकर फैसले लिए गए हैं, किसानों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया कि ट्यूबवेल के लिए अब उन्हें बिजली मुफ्त में मिलेगी।